चैंगी बहुत हैरान हो जाता है ये देखकर कि वेस्ट माउंटेन बेस के पास C4 एक्सप्लोजिव्स हैं। स्पेशल फोर्स चैंगी के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये देखकर शिन हाओ समझ जाता है कि चैंगी बहुत पावरफुल है और वो सिया और लूजियांग को भी मार सकता है। शिन हाओ सभी को फायर करने से रोकता है और जमीन के ट्रैप्स हटाने कहता है। सभी एक्सपीरियंस सोल्जर थे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके वो तुरंत ग्रेनेड्स को लोकेट कर लेते हैं और एंटी टैंक माइंस को डिस्कवर कर लेते हैं, जिससे चैंगी ने काफी उम्मीद से लगाया था। लेकिन जो भी मूव वो कर रहे थे, चैंगी उन्हें ऑब्जर्व कर ही रहा था। चैंगी डिटोनेशन बटन प्रेस कर देता है और एंटी टैंक माइंस ब्लास्ट कर जाता है और कुछ सोल्जर्स को आराम से मार देता है और आसपास के सोल्जर्स को भी जख्मी कर देता है। ये देखकर शिन हाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन है, इसके पास ये सारे वेपन्स कहां से आ गए जो सिर्फ हमारे ट्रूप्स के पास होना चाहिए। ये सब देखकर सोल्जर्स वापस जाने का सोच लेते हैं। डेप्यूटी कमांडर शिन हाओ से कहता है, हम अभी दुश्मन को अच्छे से नहीं समझते हैं और हमारे पास ज्यादा वेपन्स और इक्विपमेंट्स भी नहीं बचे हैं। हमें बेस पर वापस जाना चाहिए। हमें अपने सोल्जर्स का भी ध्यान रखना होगा। हम और सोल्जर्स नहीं खो सकते हैं। डेप्यूटी कमांडर यू लैंग थोड़ा सेंसिबल आदमी था। इतने देर में वो समझ चुका था कि वो चैंगी को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन शिन हाओ उसकी बात नहीं मानता और कहता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हमें यहाँ रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, अगर मैं वही नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता इस घर का कोई वीकनेस नहीं होगा, हमें अटैक करते रहना चाहिए। शिन हाओ बहुत डेडिकेटेड था और वो इस मिशन में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा था। वो बिना किसी अचीवमेंट के वापस नहीं जाना चाह रहा था। वो कम से कम चैंगी के विला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा था, जैसे उसका वीकनेस। अगर वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भी वापस जाता है तो उसके भाइयों की मौत वेस्ट हो जाएगी। फिर शिन हाओ सभी को ऑर्डर देता है कि वो चैंगी के घर की तरफ आगे बढ़ते रहें। वो बस चैंगी के विला के वीकनेस को पता करना चाह रहा था ताकि वो अपने भाइयों का बदला ले सके। वहीं घर के अंदर यांगमी ये देखकर बहुत घबराई हुई थी और पूछती है, ये सब तो बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं, क्या इन्हें घर का वीकनेस पता चल जाएगा। पर चैंगी उतना घबराया हुआ नहीं था और बताता है, मुझे इस विला पर पूरा भरोसा है, मैं इसे रोज चेक करता हूँ, ये बाहर से इनविंसिबल है, इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। पर यांगमी घबराई हुई थी और कहती है, वो बहुत जोर लगाकर सब कुछ चेक कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता हमें उन पर पहले अटैक करना चाहिए। चैंगी स्माइल करते हुए कहता है, उन पर अटैक करना बहुत आसान है, मैं ये आराम से कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वहीं बाहर चारों तरफ चेक करने के बाद स्पेशल फोर्स टीम बात करते हैं कि ये विला चारों तरफ से सिक्योर है, इसका शायद ही कोई वीकनेस होगा, ये बहुत स्पेशल मटेरियल से बना है, लेकिन इसका बस एक ही वीकनेस है कि ये ऑफेंसिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है। यू लैंग विला को देखते हुए कहता है, ऐसे वेल्दी शहर में ऐसा घर होना आम बात है, इससे पता चलता है कि अमीर लोग मरने से कितना ज्यादा डरते हैं, इसीलिए वो ऐसे आयरन फोर्ट्रेस बना लेते हैं। फिर शिन हाओ कहता है, हमने सारे एक्सप्लोजिव्स हटा दिए हैं, अब वो अटैक करने जरूर आएगा, बस मुझे उसका ही वेट है। फिर वो कहता है, क्यों ना हम अपने सारे एक्सप्लोजिव्स को कंबाइन करके उसके घर के एक साइड को ब्लास्ट कर दें और फिर अंदर जाकर सभी को मार देंगे। तभी यू लैंग कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, हमारे पास उतने एक्सप्लोजिव्स भी नहीं है। फिर शिन हाओ कहता है, बैटलफील्ड में एक तगड़े बंकर को भी एक्सप्लोड करवाया जा सकता है अगर हमारे पास एनफ एक्सप्लोजिव्स है तो क्या ये विला एक मिलिट्री बंकर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर हम अपने फायर पावर्स को कंबाइन कर देते हैं तो ऐसा शायद हो सकता है। फिर वो लोग अपने सारे एक्सप्लोजिव्स को एक जगह ले जाते हैं, ये सोचकर कि ये विला का वीक पॉइंट हो सकता है। ये देखकर चैंगी खड़ा हो जाता है और कहता है, इन बेवकूफों को लगता है कि अब मेरे पास कोई और ट्रिक्स नहीं बचे हैं, ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं क्योंकि मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो जो और यांगमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग यहीं रहना,
और शो के मजे लेना। अगर तुम्हें डर लगे तो बेसमेंट में जाकर छुप जाना। वहीं सारे एक्सप्लोजिव्स लगाने के बाद शिनहा डेटोनेशन बटन प्रेस कर देता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी ये सोच रहे थे कि भले ही इतने से दीवार टूट नहीं सकता, लेकिन कम से कम उसमें दरार तो आ जाए जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। स्मोक के क्लियर होने के बाद सभी रिजल्ट्स देखने के लिए वहाँ जाते हैं इस उम्मीद से कि कुछ हुआ होगा, लेकिन वो वहाँ बस एक बड़ा सा गड्ढा देखते हैं और जेंगी के विला को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो हैरानी से उदास हो जाते हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जेंगी का विला इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो देखते हैं कि वॉल के नीचे का एरिया किसी ब्लैक मटेरियल से कवर्ड था, जिससे वो समझ जाते हैं कि विला असल में और भी बड़ा है नीचे से भी। शिनहाओ ये देखकर बहुत हैरान था और कहता है, ऐसा लगता है अब हमें वापस जाकर हेल्प मांगना ही पड़ेगा। हमारे पास जो वेपन्स हैं उतना काफी नहीं है, हमें और भी हैवी एक्सप्लोजिव चाहिए होंगे। वहीं जेंगी ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था उसके विला को कुछ भी नहीं होगा और वेस्ट माउंटेन बेस को उनकी औकात का पता चल जाएगा। जेंगी सेकंड फ्लोर में जाता है और अपना स्नाइपर निकालता है। वहीं कुछ सोल्जर्स डेप्यूटी कमांडर के लिए एक वुडन बॉक्स लाते हैं जिसमें एक स्नाइपर था। शिनहाओ वो देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, तुम अपने साथ ये लाए थे? ये तो कमाल है, ये स्नाइपर बहुत पावरफुल है, ये एक टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर यू लैंग एम करते हुए कहता है, भले ही उसका ग्लास बुलेट प्रूफ होगा लेकिन ये मेरे बुलेट्स को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही जेंगी विंडो के पास पहुंचता है, उसे एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जेंगी सोचता है, क्या ये स्नाइपर का यूज कर रहे हैं? विंडो ग्लास से एक फ्रिक्शन की आवाज आ रही थी। जेंगी देखता है और उसे एक छोटा सा स्क्रैच दिखता है। फिर वो सोचता है, ये तो कमाल है, अगर वो ऐसे ही और भी अटैक्स करते हैं तो ग्लास टूट सकता है, अब तो मुझे इन्हें रोकना ही पड़ेगा। वहीं यू लैंग देखता है कि उसकी बात सच नहीं हुई और वो अपने लाइफ चॉइसेस पर सवाल करने लगता है। फिर वो चिल्लाता है, मैंने इससे बंकर्स उड़ाए हैं तो आखिर ये विला कैसे बच सकता है? तभी शिनहा उससे कहता है, शांत हो जाओ, मुझे लगता है इस विला का डिफेंस हमारे वेस्ट माउंटेन बेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अब हमें वापस जाकर अपने सुपीरियर्स को सब कुछ रिपोर्ट कर देना चाहिए। अब हमारे पास ज्यादा वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स भी नहीं बचे हैं। फिर शिनहा सभी को वापस जाने के लिए ऑर्डर देता है। जेंगी उन्हें जाते हुए देखता है। जेंगी तुरंत विंडो को ओपन होने का कमांड देता है और फिर अपने डायमेंशन पोर्टल को ओपन कर देता है, जिससे बाहर से कोई भी अटैक्स आते हुए अब्सॉर्ब हो जाएंगे और जेंगी के अटैक्स को कुछ भी नहीं होगा। वहाँ एक सोल्जर विला के विंडो को ओपन होते हुए देखता है और सभी को बताता है, कैप्टन शिनहा, सेकंड फ्लोर का विंडो खुल गया है। और फिर वो लोग उधर ही फायर करने लगते हैं। उनका निशाना काफी अच्छा था और वो जेंगी के फेस पर एम कर रहे थे, लेकिन वहीं जेंगी उनके सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी बुलेट उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जेंगी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे वो स्नाइपर काफी अच्छा लगा, अब वो मुझे चाहिए और तुम लोग वापस जाने की सोचना भी मत। और फिर जेंगी उन्हें मारने लगता है। जेंगी उस सोल्जर को पहले मारता है जो स्नाइपर कैरी कर रहा था। शिनहाओ जेंगी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे लगा था आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन देखो तो सरा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम तो मरने के लिए खुद तैयार हो। शिनहाओ सभी को फायर करने का ऑर्डर देता है। सभी लोग जेंगी पर फायर करने लगते हैं, लेकिन जेंगी अपने पावर्स का यूज करते हुए खुद को डिफेंड कर रहा था और स्नाइपर से सभी को मार भी रहा था। वो सभी को हेडशॉट दे रहा था जो काफी एक्यूरेट था। उसने काफी सोल्जर्स को मार दिया था और तब सोल्जर्स रियलाइज करते हैं कि उनके बुलेट्स जेंगी तक पहुंच भी नहीं रहे हैं। तभी शिनहाओ कहता है, वो जरूर म्यूटेंट होगा, इसीलिए यू लैंग काफी हैरान था और कहता है, कहीं उसके पावर सभी अटैक्स के अगेंस्ट इम्यून तो नहीं है। फिर शिनहाओ अपने टीम को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर जेंगी म्यूटेंट है तो वो अपने टीम के साथ भी उसे नहीं हरा पाएगा। सभी डरकर भागने लगते हैं। शिनहाओ चिल्लाकर कहता है, जल्दी से कहीं छुप जाओ,
हमें बेस पर जिंदा वापस जाना है। जेंगी अपने स्नाइपर से उसे देख रहा था, वो शिनहा और यू लैंग पर फायर करता है लेकिन दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। जेंगी इस मूव को पहले भी देख चुका था, लू जियांग भी उससे ऐसे ही बचा था और सोचता है तो ये लोग भी आर्टिफिशियली इनहेंस म्यूटेंट्स हैं, तो क्या इनके पास भी वही सेम पावर्स हैं? जेंगी चारों तरफ चेक करता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ दो लोगों के पास ही स्पेशल एबिलिटी है। फिर वो एक प्लान बनाता है, फिर वो सोल्जर्स के हेड की जगह उनके लेग्स पर अटैक करता है। दो सोल्जर्स तुरंत हिट हो जाते हैं और अपने पैर पकड़कर ग्राउंड में गिर जाते हैं और उनके साथी ये देखकर उनकी हेल्प करने के लिए आना चाह रहे थे। वो अपने भाइयों को ऐसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, वो उन्हें बचाकर साथ ले जाना चाह रहे थे। लेकिन शिनहाओ जेंगी के प्लान को समझ गया था और वो सभी को छुपे रहने का ऑर्डर देता है। वो हमें बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहा है, सभी छुपे रहो। शिनहाओ तुरंत एक काउंटर प्लान सोच लेता है और चिल्लाकर सभी को बताता है, जल्दी से स्मोक ग्रेनेड फेंको, हमें उसका विजन ब्लॉक करना होगा। तभी वहां स्मोक फैल जाता है, ऐसे में कोई भी टैक्टिकल गॉगल से भी स्मोक के अंदर का सीन नहीं देख सकता है। शिनहाओ इसका फायदा उठाकर अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजता है। जेंगी ये देखकर उनकी तारीफ करता है कि वो सच में प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, उनका कॉम्बैट डिसिप्लिन काफी अच्छा है। फिर जेंगी अपने एबिलिटी का यूज करता है और जो बुलेट्स उसने एब्जॉर्ब किए थे वो स्मोक की तरफ बरसाने लगता है और वहां जख्मी सोल्जर्स और वो सोल्जर्स भी मारे जाते हैं जो उन्हें बचाने आए थे। सभी ये देखकर घबरा जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। एक सोल्जर कहता है, ये कोई इंसान नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा सोल्जर चिल्लाता है, कैप्टन शिनहा प्लीज, अब हमें बेस पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देना चाहिए, हमें एक बटालियन कमांडर की जरूरत है। ये सुनकर शिनहा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, बेवकूफ कहीं के, हम यहाँ रेस्क्यू टीम बनकर आए थे और अब हमें ही रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें समझ नहीं आता ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी, ना समझ कहीं के। वो सोल्जर उदास हो जाता है और कहता है, पर कैप्टन वो आदमी बहुत पावरफुल है, हम उसका सामना कैसे करेंगे और तो और उसे कैसे हराएंगे, थोड़ी ही देर में उसने हमारी टीम को आधा कर दिया, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, मैं फोर्थ लाइफ पॉड में पेडल करने के लिए तैयार हूँ। सभी सोल्जर्स घबराए हुए थे, उन्होंने पहली बार ऐसी हार का सामना किया था। डेप्यूटी कमांडर यू लैंग सभी को समझाता है, शांत हो जाओ सभी, क्या तुम देख नहीं सकते हो, वो अब भी अपने घर के अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो अब भी डरा हुआ है। लेकिन कैप्टन शिनहाओ थोड़ा डरा हुआ था और कहता है, उसका शूटिंग स्किल हमसे भी अच्छा है, वो हमें कभी भी स्नाइपर से मार सकता है, हमें जगह बदलनी होगी। फिर यू लैंग स्नो में ड्राइंग बनाते हुए एक स्ट्रेटजी बताता है, उसके विला में एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, अगर हम उसके घर के सामने दूसरे घरों का ढेर लगा दें तो उसका विजन ब्लॉक हो जाएगा और वो हमें एम नहीं कर पाएगा, फिर हम आसानी से एस्केप कर पाएंगे। जेंगी उन्हें देख ही रहा था, वो उनके एस्केप प्लान को समझ गया था कि वो क्या कर सकते हैं। वो अपने विला से बाहर निकलकर उनके पीछे नहीं जाने वाला था क्योंकि वो जानता था कि वो टीम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसका डायमेंशनल गेट एक ही साइड खुल सकता है, तो अगर वो बाहर जाकर उनका सामना करता है और उस पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक होता है तो वो फंस जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।